अक्सर यही समझते हैं कि हमारे देश के दुश्मन सरहद पार हैं। देश में हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। सेना के जवान जब तक सरहद पर तैनात हैं, तब तक हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी सरहद पार के दुश्मन से उतना डर नहीं लगता जितना हमारे घर में बैठे दुश्मनों से लगता है। एक जवान सरहद पर तो दुश्मनों की गोलियां खाता ही है, लेकिन क्या हो अगर उसे घर के अंदर ही पत्थरबाजों का सामना करना पड़े? क्या हो अगर अपने ही देश के लोग सेना पर पत्थर बरसाएं? दरअसल जम्मू कश्मीर से एक खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों पर कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की है। आपको बता दें कि दो दिन पहले सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि श्रीनगर के नवगांव में 3 आतंकी एक घर में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और वहां के आम नागरिकों को निकाल कर उस जगह को खाली करा दिया, ताकि किसी भी नागरिक को मुठभेड़ के वक्त किसी भी तरीके का कोई नुकसान न हो। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान नागरिकों को उस इलाके से दूर ही रखा गया था, ताकि पूरा इलाका अच्छे से चेक हो सके कि कोई आतंकी छुपकर तो नहीं बैठा है। लेकिन कुछ ही देर में कुछ लोग अपने हाथ में लाठी डंडा और पत्थर लेकर सुरक्षा बलों पर हमला करने लगे। सुरक्षा बलों ने बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए धुएं के गोले छोड़े। जानकारी के मुताबिक सेना पर पत्थरबाजी करने के इल्जाम में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है। यकीनन एक देश के लोगों के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि देश के लोग ही सेना पर पत्थरबाजी करें। उस सेना पर जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, उस सेना पर जो अपने घर से दूर रहती है ताकि हम अपने घर पर महफूज रह सकें। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।